मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप देने वाली हूँ अबाउट डार्क सर्कल्स एंड रिंकल्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम डूइंग अ DIY वीडियो हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स एंड रिंकल्स। तो एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपके डार्क सर्कल्स काफी हद तक सही हो जाएंगे। 100% मैं इसलिए नहीं बोल सकती बिकॉज डार्क सर्कल्स काफी वजह से होते हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, पानी की कमी, स्ट्रेस वगैरह। सो इनसे पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए आपको इन सब चीजों को ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है। सो इन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने स्टेप वन की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है एक टोमेटो, यानी कि एक टमाटर। हम इसे सबसे पहले ग्रेट करके इसका जूस निकाल लेंगे। एंड मैंने यहाँ ऑलरेडी इसका जूस निकाल के रखा हुआ है, ये 1 टीस्पून अराउंड मेरे पास इसका जूस है, आप लोग देख सकते हैं। सो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे टोमेटो का जूस लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल, ये मेरे पास पतंजलि का एलोवेरा जेल है। आप चाहें तो जो एलोवेरा जेल, सॉरी एलोवेरा, अगर उसका प्लांट आपके यहाँ पास है तो आप उसका भी फ्रेश जेल निकाल के उसे भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। सो मैं अभी इसे यूज कर रही हूँ। सो गाइज, एलोवेरा जेल में होता है मॉइस्चराइजेशन, एंड ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड हाइड्रेट करता है। सो मैं इसे ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून ऑलमोस्ट हम एलोवेरा जेल लेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून टोमेटो जूस के साथ, ओनली 1/2 टीस्पून हम एलोवेरा जेल लेंगे। एंड टोमेटो जूस में होती हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज जो कि हमारी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करती हैं, और एलोवेरा जेल में जो हाइड्रेशन होता है उससे हमारी स्किन ड्राई नहीं होती एंड मॉइस्चराइजेशन को बनाए रखती है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे, मतलब जो जेल है हमारा वो पूरा इसमें मर्ज हो जाना चाहिए, आप देख रहे हैं। सो ये बिल्कुल ही इसमें मर्ज हो चुका है, कोई लम्स नहीं बचे हैं। तो अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अगर आप ये प्रोसेस बिफोर बेड टाइम करें तो बेटर है इस तरीके से। और हमेशा आपको आईज पे, अंडर आईज कुछ भी अप्लाई करने के लिए हमेशा रिंग फिंगर का यूज करना चाहिए। रिंग फिंगर से हम डैब डैब मोशन में इसको अंडरनीथ अपने आईज में हम लगाएंगे। एंड इसे लगाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट को इसको छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद देन हमें ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करना है और एंड टॉवल से डैप करते हुए हमें बहुत आराम से उसे वाइप कर देना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइज, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है लेमन जूस। ये मैंने लिया है लेमन, एंड इसको मैंने स्क्वीज करके इसका जूस मैंने निकाल लिया है। ये है मेरे पास 1 टीस्पून लेमन जूस। सो ये स्टेप 2 है हमारा, एंड स्टेप 2 हमारा रिंकल्स के लिए है, पर ये डार्क सर्कल्स पे भी इक्वली वर्क करता है। सो लेमन जूस में हमारे होता है विटामिन सी जो कि हमारी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने का काम करता है, प्लस ये स्किन को टाइटन भी करता है जिससे कि रिंकल्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसके बाद हमें लेना है इसमें हनी। आप कोई सा भी हनी यूज कर सकते हैं, मैं पतंजलि का हनी यूज कर रही हूँ। हनी जो है हमारा वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है और जिससे ये कोलेजन को बूस्ट करता है एंड रिंकल्स को खत्म करने में हमारी हेल्प करता है। सो यहाँ पे मैं
इक्वल प्रोपोर्शन में ही मैं हनी लूंगी। सो ये हनी मैंने लिया है। नाउ गिव इट अ मिक्स, अ गुड मिक्स। सेम इसमें भी लम्स नहीं रहने चाहिए। सो गाइज आप देख सकते हैं लम्स बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं एंड ये अब ये रेडी है बिल्कुल लगाने के लिए। सो आफ्टर जब हमने अपना फेस वॉश कर लिया था उसके बाद जब ये अच्छे से सूख जाए उसके 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद हमें ये इसको लगाना है, स्टेप टू को लगाना है एंड इसको भी हमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। सो ये देखिए ये बिल्कुल भी गाइस ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा चिपचिपा हो रहा है या कुछ भी इसमें स्टिकीनेस है, वो नहीं होगी बिकॉज ये लेमन के साथ हमने मिक्स किया है इस वजह से। और सेम इसको भी रिंग फिंगर से हमें डैब मोशन में करके सर्कुलर अपनी आईज के आसपास लगाना है। बस थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पे कि वो आईज के अंदर ना जाए, बस आपको आईज के आई एरिया में इसको सर्कुलर मोशन में हल्के से लगाना है इसे। एंड सेम इसको भी 10 से 15 मिनट तक छोड़िए एंड देन ठंडे पानी से फेस वॉश कर लीजिए उसके बाद। सो गाइस जिनके डार्क सर्कल्स कम हैं उन्हें 3 से 4 दिन में और जिनको सीवियर डार्क सर्कल्स हैं उन्हें 1 से 1.5 हफ्ते में ये रिजल्ट दे देता है। सो इसको एक ट्राई जरूर दीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको ये किस तरह कैसा लगा। एंड लास्ट में मैं आपको बस एक टिप यहाँ पर देना चाहूंगी कि डेली आप जब भी रात में जब भी आप सोएं उससे पहले आप या तो कोई भी ऑलमंड ऑयल, जो भी आप ऑलमंड ऑयल यूज करते हैं वो, या फिर कोई भी आई क्रीम जो आप यूज करते हैं उसे आप अंडरनीथ योर आईज आप उसको अप्लाई करें एंड देन आप सोएं, उससे रिजल्ट इसके जो हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं। एंड गाइज इस प्रोसेस को आपको डेली फॉलो करना है तभी ये रिजल्ट अच्छे देगा। तो डेली करने से इट विल श्योरली गिव यू रिजल्ट्स। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस प्रोसेस को कोशिश करिए कि आप रात में सोने से पहले ही करें। एंड गाइज अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को करिए लाइक एंड शेयर एंड अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिए। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।